फिल्म के बारे में कितनी बात कर सकते हैं अभी हम लोग, अगर व्योमकेश के कैरेक्टर और उन चीज़ों को लेकर आप पूछे तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। हाँ तो स्टोरी की बात नहीं करेंगे लेकिन तो थोड़ा बताएं मुझे व्योमकेश के बारे में, किस तरह का आदमी है वो, आपके दिवाकर का व्योमकेश। एक व्योमकेश हम लोग टीवी पर देख चुके हैं बिल्कुल, पिक्चर बनी है बंगाली में, बंगाली में बनी है। मेरे ख्याल से सबसे सबसे रिफ्रेशिंग सबसे अच्छा अप्रोच दिवाकर ने इसलिए लिया है मेरे ख्याल से कि सारे ब्योमकेश को हर जगह पे, चाहे वो टीवी सीरीज के रजत कपूर हैं या उत्तम कुमार थे उसमें, सबको पता है कि वो इंटेलिजेंट है। आप रजत कपूर को भी देखिएगा तो उनको पता है कि आइए आइए, तो उनको पता है कि वो ब्योमकेश बख्शी जी जी वो इंटेलिजेंट है। हाँ प्रॉब्लम्स होती है तो टैकल करते हैं लेकिन ही दे आर अवेयर कि यार मैं तो ब्योमकेश बख्शी, ये बंदा कॉलेज से नया नया पास आउट हुआ है अभी जस्ट निकला है कॉलेज से और नहीं आते बिल्कुल बिना शक्कर वाली है ना, इसको पता नहीं है कि इतना इंटेलिजेंट, मतलब इसके दिमाग में ये है कि वो सबकी तरह नहीं है और बहुत स्मार्टली सोच सकता है लेकिन उसको पता नहीं है कि वो कितने हद तक जा सकता है, और वो इस फिल्म के दौरान डिस्कवर करता है कि वो ब्योमकेश बख्शी। तो शुरुआत में एकदम ही टैलेंटेड लेकिन नौसिखिया, बाय द एंड ऑफ द फिल्म वो पहुंच जाता है एक्सपर्ट। तो ये एक चीज है, ये खास बात यह है कि वो एक सॉल्व कर रहा है मिस्ट्री पूरे फिल्म में, जिसकी वजह से वो तो ऊपर उतार चढ़ाव उसके बाद वो पहुंच जाता है। सबसे खास बात यह है कि ये स्टोरी नहीं है कि वो केस सॉल्व कर रहा है, स्टोरी ये है कि वो बंदा बहुत लोनर है, अकेला रहता है, कोई उससे ढंग से बात नहीं करता, वो अकेला रहता है। उसने अपने आप को ये रीज़न दिया हुआ है कि क्योंकि वो इंटेलिजेंट है और ये लोग उतने इंटेलिजेंट नहीं है इसलिए ही कैन नॉट फिट, मतलब वो सबसे नहीं बात कर सकता और सब उसको अलग कर दे, और उसको वो अपने दिमाग में सोचता है कि मैं ऐसे ही खुश हूँ, लेकिन वो पूरी फिल्म में कंपेनियनशिप ढूंढ रहा है कि कोई हो उसका अपना, कि उसके माँ बाप है नहीं, कोई नहीं बेसिकली, तो हर किसी से मिलता है, चाहे वो वॉटसन और अजीत है या लड़की एक दो लड़कियां हैं या एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो आप देखेंगे, तो सबसे वो कंपेनियनशिप ढूंढ रहा है और उसी को नहीं पता कि वो सबसे ज्यादा ये कंपेनियनशिप चाहता है अपनी जिंदगी में। ये कॉन्फ्लिक्ट है कि उस बंदे को खुद ही नहीं पता कि वो चाहता है, लेकिन हर बार किसी से मिलता है उसको लगता है कि यार ये वो इंसान जिसके साथ मैं बात कर सकूँ, जिससे उसको अपने दिल की बात बता सकूँ, उसको ये रियलाइज भी पिक्चर के आखिर में होता है। तो लोनर क्यों है ये बैक स्टोरी? तो हाँ माँ बाप नहीं है, बचपन से अकेला रहा है और क्योंकि डिप्लोमेट नहीं है, हिपोक्रेट नहीं है, तो सीधी बात करता है लोगों से तो मुफट है, तो फिर लोगों हाँ, और उसको लगता है कि क्यों कट रहे हैं, तो उसने अपने आप को ये दिया हुआ क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ और कोई इंटेलिजेंट नहीं है, तो भैया जाओ तुम लोग बाहर में, मैं अपना खुश हूँ, लेकिन वो खुश नहीं, उसको चाहिए कंपेनियनशिप और उसको पता नहीं है कि उसको चाहिए कंपेनियनशिप, ये एक कॉन्फ्लिक्ट, उसको नहीं पता कि उसको कंपेनियनशिप, वो बोलता है तुम भी जाओ, तुम भी पागल हो, तुम भी पागल ऐसे, लेकिन उसको चाहिए कोई अपना। तो क्या मैं कहूँ कि ब्योमकेश और सुशांत में ये सिमिलरिटी तो है कम से कम कि मैं इंटेलिजेंट हूँ? तो ये तो है।